बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ दोस्तों, पर आप सबको पता है मैंने खरगोश के दो बच्चे रखे हुए हैं। एक खरगोश के बच्चे की टांग टूट गई थी, हमारे मिस्त्री के पाँव के नीचे खरगोश का बच्चा आ गया, उसकी टांग टूट गई, तो हमने उसके ऊपर पट्टिया पुट्टी बांध दी के ठीक हो जाए। वो ठीक नहीं हुआ, वो आज मर गया है। और सुबह सुबह मरा था, मैंने शाम को सही सलामत ना पिंजरे में रखा था, सुबह उठ कर देखा तो वो मरा हुआ था, तो मुझे बहुत ही ज्यादा दुख हुआ है, वो मर गया। अभी घर चलते हैं और आपको भी दिखाता हूँ वो कहाँ मरा है। सदली, खरगोश के बच्चे को दफना दे, खरगोश के बच्चे को दफना दे। आ जाओ दफनाए। आपको दुख हुआ है खरगोश का बच्चा मर गया? कितना ज्यादा दुख हुआ है? कितना ज्यादा दुख हुआ है? ये देखे लक्के कबूतर बाहर आ गए हैं, चलो अंदर भागो। लावल जी, आपका दुख हुआ खरगोश का बच्चा मर गया? कितना? बहुत ज्यादा। अनीब जी, आपका दुख हुआ है? जी। कितना? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा दुख हुआ है। अभी आपको खरगोश का बच्चा दिखाते हैं। ये देखें, ये मर गया खरगोश का बच्चा। क्या नहीं, नहीं मर गया। अच्छा, वो देखे, आपको दिखाता हूँ वो इसकी आंखें कैसी हो गई है। ये देखें इसकी आंखें देखें, और ये बड़ा खरगोश की आंखें देखें, इसकी भी ऐसी आंखें थी। क्या ये चूजा मर गया? किसने मारा है? आपने मारा है? खुद ही मारा है? अभी ये वाले चूजे को और खरगोश के बच्चे को दफना कर आते हैं। अभी इस चूजे को बाहर निकालते हैं और खरगोश को बच्चे को बाहर लेकर चलते हैं और दफनाते हैं दोनों को। खरगोश को बच्चे ये पकड़ो, आप गाड़ी पकड़ो, मैं खरगोश के बच्चे को बाहर निकालता हूँ। बहुत यकीन माने बहुत ही ज्यादा दुख हुआ है। ये देखें, आ जाओ दफनाने चले। लक्के कबूतर फिर बाहर आ गए हैं, आ जाओ, कुछ नहीं होता, इनको बाहर फिरने दो। आ जाओ इब, कहीं पकड़ लो, वहां जाकर ना खुदा निकाल कर इनको दफना देंगे। नहीं मैं निकालूंगा, मैं निकालूंगा। दाजान, खरगोश मर गया। अच्छा, ये देखो, इन दफना छोड़ो उठे होना। ठीक है, यहाँ दफना देंगे। यहाँ एक सैन में खुदा निकाल करना, इसको दफना देंगे। जल्दी आ जाओ कराओ। अब यहाँ खुदा निकालना स्टार्ट करते हैं और इनको दफनाते हैं। क्या खुड्डा हमने निकाल लिया, थोड़ा और निकाल लेते हैं अभी छोटा खुड्डा। खुड्डा मैंने निकाल लिया खरगोश के बच्चे को, और चूजे को जो है ना इसमें दफनाते हैं, फिर नीचे छापा रख लेते हैं। दोनों के एक साथ दफना देते हैं, इनके ऊपर लकड़ियां रख देते हैं। सही से ऊपर लकड़ियां रख देते हैं। लकड़ियां मैंने ऊपर रख दी हैं, दिए बल छापा रखते हैं ऊपर, ऊपर मिट्टी डाल देते हैं। एक और छापर लेकर आओ, जाओ इसको यहाँ रखेंगे, एक और छापर आएगा ना उसके साथ रख देंगे। वो बुलाओ छापर लेकर आ रहा है, जल्दी आ जाओ, पकड़ाओ यहाँ कैमरा पकड़ो भैया। अभी ऊपर छापर रखते हैं और इसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं। क्या कहता है, बस बोलता है कूपन कूपन।
खरगोश के बच्चे को मैंने दफना दिए, अभी घर चलते हैं। कई घर ले जाओ, मैं दुम्बे को लाकर दाने डालता हूँ। अपने दुम्बे के लिए ना वो दाने लेकर आते हैं थोड़े से, उसका भी डालते हैं। दाने भी मैंने ले लिए और दादा जान के लिए मैंने सेवियां भी ले ली हैं। अभी दादा जान को सेवियां देते हैं और दाने लेकर चलते हैं। ये पानी की बोतल है, एक पानी की बोतल। हाँ जी, देखे कितनी ज्यादा स्पीड है। सवैया खा लो। देखे ये बल मुर्गी ऐसे खाती है, पता नहीं क्या है, पर अंडे नहीं देती। अभी खाते हैं ठंडिया ठंडिया सवैया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजेदार है, सवैया मैंने खा ली है। अभी मेरे पास एक अकेला ही खरगोश रह गया है, तो जल्दी हम दूसरा भी लेकर आएंगे। ये मेरे लकड़ी कबूतर हैं, ये मेरे कबूतर हैं, ये मेरे चूजे हैं, ये मेरे डक के बेबी। मैं डक के बेबियों का दवाना रखा हुआ था, इन्होंने दवाना खा लिया है, अब देखे आराम से बैठी हुई हैं। चलो बड़े को भी बाहर निकालता हूँ। यस, ये देखे माशाल्लाह कितना ज्यादा बड़ा हो गया है। मेरी कबूतरी के बच्चे देखे कितने कितने ज्यादा भरे हो गए हैं। ये दो मेरी कबूतरी के अंडे हैं, ये ऊपर नहीं बैठती, नहीं आएंगे बाजू में। ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।